नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सूबे की सरकार और प्रशासन जहां अपराधों पर लगाम लगाने में जुटी है, वहीं अपराधियों के हौसले और बुलंद होते दिख रहे हैं। ताजा मामला यूपी के आजमगढ़ जिले का है, जहां गांव के एक शख्स ने अपने पड़ोस के दो मासूम बच्चों को अगवा कर लिया। मामला आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर इलाके का है, जहां पड़ोस में रहने वाले एक शख्स राय बहादुर ने आपसी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले फौजदार के भतीजे 8 वर्षीय राजा और सुराज, जिसकी उम्र 4 वर्ष है, उसका अपहरण कर लिया और मध्य प्रदेश लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्चों से भीख मंगवाना चाहता था। फिलहाल पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से दोनों बच्चों को मध्य प्रदेश के मैहर और जबलपुर स्टेशन से बरामद कर लिया। पूरे मामले में आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। 20 मार्च को गंभीरपुर थाने में दो बच्चे, 4 वर्ष का और 1 8 वर्ष का, दोनों के गायब होने की सूचना पहले थाने में प्राप्त हुई। उसके बाद ये पता चला कि उस गांव का एक राज बहादुर है, इसने उन दोनों बच्चों का अपहरण किया था और अपहरण करके उन बच्चों को कहीं बाहर ले जाके उनसे ये उनको बेचना, उनसे भीख मंगवाने का काम कराना चाह रहा था। इस सूचना पर पुलिस ने FIR पंजीकृत करके राज बहादुर को से पूछताछ शुरू की। उसके बाद ये तथ्य निकल कर सामने आया कि जब इस व्यक्ति को पता चला कि पुलिस का हमारे ऊपर शक हो गया और हम अरेस्ट होंगे, तो इसने दोनों बच्चों को मध्य प्रदेश में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर उतार कर छोड़ दिया था। हमारी पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश की पुलिस से संपर्क किया, दोनों बच्चे बरामद किए गए और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसको हम लोग न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं।